नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री ने किया हरियाणा राखी गढ़ी पर बनाए गए विशेष सावरण को जारी रखने का आदेश। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के प्राचीनतम धरोहरों को पर्यटन की दृष्टि से विश्व के मानचित्र पर लाने की पहल करें। इसे महाभारत काल से जुड़े तथा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से और सिख साम्राज्य की पहली राजधानी लोहगढ़ या मोहनजोदड़ो वह हड़प्पा से भी पहले की सभ्यता से जुड़ी धरोहरों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री आज पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा भारतीय डाक विभाग के सहयोग से प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन पुरातात्विक स्थल हरियाणा के राखीगढ़ी पर बनाए गए विशेष आवरण को जारी करने के लिए अवसर पर और इसी अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 100 से अधिक ऐसे स्थल हैं जिनका ऐतिहासिक व पौराणिक दृष्टि से बड़ा ही महत्व है और ऐसे स्थलों का संरक्षण करने की दिशा में कार्य करना चाहिए ताकि भावी पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति के महत्व के प्रति प्रेरित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे स्थलों को सहेज कर रखने और उन्हें विकसित करने के लिए पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सिख साम्राज्य के प्रथम सेनापति बंदा सिंह बहादुर को मुगलों के अत्याचारों के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी थी उनकी शुरुआत हरियाणा से ही हुई थी। उनकी राजधानी लोहगढ़ यमुनागढ़ को तथा पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की पहल की गई है। वहां पर संग्रहालय व मार्शल आर्ट स्कूल की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा सरस्वती नदी पर उद्यम स्थल आदिबद्री को भी भव्य रूप दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा हम जानते हैं कि आज धनतेरस का दिन है और महर्षि धन्वंतरी जी का आज जयंती का दिन है और ऐसे ही आने वाला कल दीपों का त्यौहार है, दीपावली है। तो सर्वप्रथम इन दोनों उत्सवों पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और जैसा आज के कार्यक्रम में हम लोग देखते हैं कि अपने भारत की प्राचीन संस्कृति, हमारा इतिहास जिन चीज़ों से जुड़ा हुआ है उसी में एक ऐसा जिसको कहना चाहिए हरियाणा का एक विशेष महत्व का स्थान है, वो राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी के ऊपर जो आप लोगों ने आवरण का एक तैयार किया है और उसको विमोचन उसका आज हो रहा है, ये एक यादगार के रूप में बना रहेगा और इसका एक प्रकार से आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ होता है। ऐसी जो यादगार चीज़ें होती हैं उसका हमेशा आने वाली पीढ़ियों को लाभ होता है। इस विमोचन के अवसर पर भी आपको बहुत बहुत शुभकामना। इन ऐतिहासिक चीज़ों का, जो प्राचीन चीज़ें हैं उनका संरक्षण करना, आने वाली पीढ़ी के लिए उसको बचा के रखना, उनको प्रेरणा देना, ये बहुत आवश्यक है। सौभाग्य से हमारे भारतवर्ष का जो इतिहास है वो जैसा बताया कि दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। अभी कितने वर्ष पुराना है इसके बारे में अभी कोई बहुत आंकलन जो इतिहासज्ञ हैं वो कितना करते हैं, हजारों साल तो बताया ही जाता है। अगर हम महाभारत का इतिहास देखें तो हरियाणा से ही जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण ने जहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर गीता का उपदेश दिया वो भी लगभग 2000 वर्ष तो ये हो गए, 3000 BC वो है। और लगभग ये सारी सभ्यताएं भी, चाहे वो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, चाहे जो इस प्रकार के सारे हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता है, हड़प्पा की सभ्यता है, ये सब भी कोई 2500-3000 साल पुरानी, BC पुरानी, ये सब उस समय की हैं। तो आज जगह जगह पर उनके जो अवशेष मिल रहे हैं उनको बचा कर रखना और उनको संभाल कर रखना, उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से उसको सुरक्षित रखने से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। ये स्थान राखीगढ़ी भी हिसार जिले का गौरव है, हरियाणा का गौरव है, देश का गौरव है। तो हिसार जिले से ये भी चीज़ जुड़ी हुई है, तो इसलिए आज इस अवसर पर आपको तो डबल डबल इस बात की बधाई कि आप लोगों ने मिल करके, अपने विभाग ने और पोस्ट डाक विभाग ने मिल करके ये जो आवरण का एक जिसको विमोचन कर रहे हैं ये कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है इस अवसर की। और हमारे इस इतिहास की बाकी चीज़ें भी, चाहे इसके बाद की हैं, चाहे वो 1000 साल पुरानी हैं, 2000 साल पुरानी हैं, या जैसे लेटेस्ट, जैसे इस हरियाणा के अंदर हम देखते हैं कि सिख गुरुओं की परंपरा ये भी आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले शुरू हुई, 300 साल तक, 200 साल का वो जो इतिहास है वो भी हरियाणा की धरती के साथ बहुत जुड़ा हुआ है।
जगह जगह ऐसे स्थान हैं जहां उन गुरुओं ने अपने यानी भ्रमण किए, लोगों को उपदेश दिए। आज भी उनके नाम से गुरुद्वारे बने हुए हैं, चाहे वो कुरुक्षेत्र है, चाहे वो अम्बाला है, चाहे हमारा टोहाना है, रोहतक है, हिसार है, भिवानी, पूरे हरियाणा में है। और दशम पातशाह के बाद बाबा बंदरवीर आगे इन्होंने सोनीपत से अपनी यात्रा शुरू की थी। वहाँ आकर के उन्होंने सबसे पहले नौजवानों को इकट्ठा किया, अपनी एक फौज बनाई मुगलों के अत्याचार का मुकाबला करने के लिए। सिरी गांव है सोनीपत में, तो वहाँ आकर के उन्होंने फौज अपनी इकट्ठी की और वहाँ से फिर वो चले भिवानी से चले हिसार, हिसार से टोहाना, टोहाना से फिर पंजाब, और फिर पूरे पंजाब में और सरहिंद के इलाके में उन्होंने लड़ाई लड़ी। और अंत में यमुनानगर के पास पहाड़ के नीचे एक स्थान है लोहगढ़ में जाकर के उन्होंने अपनी राजधानी बनाई और वहाँ कई वर्षों तक सिख राज जो सबसे पहला है उन्होंने वहाँ से शुरू किया। और उन्होंने एक सिक्का वहाँ से जारी किया, उस समय जब मुगलों का काल था तो अपना राज बना के अपना सिक्का जारी किया। और ये जो हम कहते हैं कि जो लैंड टू द टिलर, ये सिद्धांत सबसे पहले उन्होंने शुरू किया। आज हमने लोहगढ़ को विकसित करने के लिए वहाँ एक स्मारक बनाने की बात भी की है कि एक स्मारक बनाया जाएगा, एक सोशल ट्रस्ट बना दिया है, तो ये सारा हम कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के साथ गीता जयंती का जो एक अवसर आता है साल भर में एक बार, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गीता जयंती का कार्यक्रम किया जाए, ताकि हरियाणा के साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ें, तो ये चाहे प्राचीन सभ्यता की चीज़ें हैं, चाहे हमारे संस्कारों की बातें हैं, उन सब को कैसे विस्तार दिया जाए, इस पर हरियाणा सरकार काम कर रही है। और उसमें हमारा जो पुरातत्व और संग्रहालय विभाग है, इनके जिम्मे जो काम है ये भी आगे बढ़ चढ़ करके कर रहे हैं। जैसे स्थान बताया इन्होंने, जैसे राखीगढ़ी का स्थान है, 100 स्थान ऐसे हैं जो हमारे इतिहास और प्राचीन सभ्यता का महत्व रखते हैं। हरियाणा में 100 स्थान है, मुख्य रूप से जो रोहतक में फरमाणा है, भिवानी में मिताथल है, फिर हिस्कारथल में बालू है, फतेहाबाद में बनावाली है, ऐसे ऐसे बहुत स्थान है, रोहतक के अंदर खोखरा कोट है, तो ये 100 से ऊपर स्थान ऐसे हैं जिनका अपना महत्व है। तो इन सब स्थानों की रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए। ये तो बहुत पुराने हैं, लेटेस्ट भी यानी ऐसे भवन, ऐसी बिल्डिंग है। कल हम एक मीटिंग में बात कर रहे थे तो नू जिले के जो हमारी जहाँ तहसील भवन है वो 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, और वो 100 साल पुरानी बिल्डिंग आज भी उसी प्रकार की वो खड़ी है। तो ऐसे पुराने पुराने जो भवन हैं उनको सुरक्षित रखने का भी वो आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्टेड साइट के रूप में उसको घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे जितने स्थान हैं हरियाणा में, यदि हम इनका संरक्षण करेंगे, इनका विकास करेंगे, तो हरियाणा में टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो टूरिस्ट जो आता है, हर प्रकार का टूरिस्ट है, दुनिया का ऐसा बहुत बड़ा टूरिस्ट है जो ऐसी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में खोजता रहता है। तो ऐसी चीज़ों को खोजने के लिए भी जब हरियाणा का ऐसा एक सिस्टम बन जाएगा तो उसमें से उसका भी अपना एक लाभ होगा। तो कुल मिलाकर आज के दिन के अवसर पर अपने इस विभाग को भी और डाक विभाग को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इसी प्रकार से आगे प्रगति करते रहें।